सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किरण प्रताप और आप सभी को स्वागत करता हूं किरण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपकी आईडी फेसबुक आईडी जो आप बहुत सारे फ़ोन में लॉगिन कर देते हैं और अपना ईमेल आईडी पासवर्ड आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आज इस फ़ोन में अपना पासवर्ड खुद का चेंज किस तरह से कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस, अपना पासवर्ड अगर फेसबुक का भूल जाते हैं उसे रिकवर भी कर सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड भूल जाते हैं याद नहीं रहता है तो किस तरह से आप याद रख पाएंगे और अपना पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, जल्द से जल्द आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फेसबुक आईडी को कर लीजिए ओपन। देखिए मैं फेसबुक आईडी को ओपन कर लिया हूँ। ओपन होने के बाद आपको फेसबुक आईडी आपकी ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से देख रहा होगा थ्री लाइन का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आपको खुल जाएगा, तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन, तो इस वाली सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने में इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस सेटिंग पे आ जाना। इस पर आने के बाद इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को आपको ढूंढ लेना है, इसके बाद इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं चेंज पासवर्ड, ठीक है, तो इस आप चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद कोई याद है उस इसमें पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है, और जो न्यू पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं इसमें आप दोनों एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है मेरा पासवर्ड क्या है तो यहाँ से आप फॉरगेट करके अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं, यहाँ से फॉरगेट क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से इस मोबाइल नंबर पर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद अपना इसमें एक कोड भेजा जाएगा उस फ़ोन में, तो कोड इसको एंटर करेंगे तो आपको फिर इसी ऑप्शन पे इसी पे आ जाएगा, ठीक है, आप अपना वहाँ से पासवर्ड भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से पहले अपना क्या करेंगे, पहले अपना वो जो पासवर्ड एंटर किए हैं उसको यहाँ से एंटर कर लीजिए, ठीक है, जो पासवर्ड आपकी है उसको यहाँ से रख लीजिए, ठीक है, तो मैं इसमें पासवर्ड रख देता हूँ जो अभी मैं किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें वो वाले पासवर्ड एंटर कर दिया और मैं दूसरा पासवर्ड आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से एंटर करना है, ठीक है, तो आपको कुछ अलग तरीका कि इसमें मोबाइल नंबर इसमें सेलेक्ट बहुत सारे होता है, बहुत सारे सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मैं इसमें पासवर्ड रख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, @ एक डाल देंगे, ठीक है, @ डालने के बाद अपना इसमें एक दो लेटर नाम रखते हैं, जो आईडी का नाम है वो रख सकते हैं, तो कुछ अलग तरीका से नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ करण के पी, करण प्रताप, ठीक है, तो सेम ही ऐसे ही लिख देना, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, फिर @, उसके बाद PKP, ठीक है। यहाँ पे इतना करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं अपडेट पासपोर्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से पासपोर्ट ऊपर का मैच नहीं किया है, तो ऊपर का आपको पासवर्ड सही से ही डालना है, तो मैं इसमें मैच मिस्टेक कर दिया, फिर से पे एक बार अपलोड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें आप पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ से अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर चेंज यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं रिव्यू अदर डिवाइस, ठीक है, तो आपके अगर फेसबुक दूसरा आईडी में लॉगिन है तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, उसमें भी सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे इस फ़ोन में ही पासवर्ड रहे तो इस फ़ोन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो इस फ़ोन में जो आपकी यहाँ से दूसरा फ़ोन में आपकी ये फेसबुक लॉगिन है तो उसको आपको पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ही आपकी आईडी ओपन हो पाएगा, ठीक है, तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, आपके यहाँ से पासवर्ड चेंज हो चुका है, आप यहाँ से क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, ठीक है, बैक आने के बाद आपके वो पासवर्ड चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आप सबका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।